दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। काफी लोगों के मन में ये सवाल चल रहा था, जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, ये है प्ले स्टोर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा रैपिड पैसा, जो कि आपको यहाँ पर इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराने की दावा करती है। रेटिंग के यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो 4.2 के साथ एप्लीकेशन ये रेट कर रही है और राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा 1 मिलियन से ऊपर एप्लीकेशन को अब तक डाउनलोड कर लिया गया है। यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें प्रोसेस बताऊंगा कि एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से लोन के लिए अप्लाई किए जाते हैं, कितने दिनों का लोन मिलता है और किस एनबीएफसी के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है, सब कुछ जानने को मिलेगा। और कितने दिनों का लोन ये प्रोवाइड कराती है जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं। आपको यहाँ पर मिलता है मिनिमम 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का लोन, इंस्टेंट लोन आपको यहाँ पर दोस्तों प्रोवाइड कराई जाती है। इन्होंने यहाँ पर बताया कि मिनिमम 61 दिनों से लेकर 365 दिनों का समय देखने को मिल सकता है। 12% आपको यहाँ पर एनम चार्ज सालाना कर सकती है। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, पर मंथ यहाँ पर देखा जाए तो 1% के हिसाब से चार्ज करती है और वन टाइम प्रोसेसिंग फी आपसे अलग से चार्ज कर सकती है। हालांकि इन्होंने ये भी बताया है कि इंटरेस्ट रेट प्लस अलग से देखा जाए तो 35% साल की चार्ज कर सकती है और ये भी वैरी करेगा आपके अलग अलग अमाउंट के ऊपर। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। पर्सनल लोन लेने से पहले हमें सभी चीजों का जांच पड़ताल जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करें और लोन के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। ऐसे में होता क्या है कि एप्लीकेशन के बारे में अगर आप नहीं अच्छे से जानते हैं तो आपकी हो सकती है एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए और अगर किसी कारण से अगर आपको लोन भी मिल जाते हैं तो ऐसे में आपको पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं फ्रॉड एप्लीकेशन है और आपके डेटा का मिसयूज भी कर लेते हैं। तो इस सब एप्लीकेशन से तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना चाहिए और जब आपको लगे कि एप्लीकेशन ये वाकई में सही तरीके से काम कर रही है तो ही आप किसी भी लोन एप्लीकेशन की तरफ जाए। बिना जांच पड़ताल किए किसी भी लोन एप्लीकेशन के ऊपर लोन अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। तो आपको यहाँ पर पर्सनल लोन दोस्तों प्रोवाइड कराई जाती है 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वो भी आधार कार्ड पैन कार्ड के जरिए से। इस ऐप का नाम है रैपिड पैसा, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा कैसे कैसे ये काम करती है, अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए। इन्होंने बताया कि 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन प्रोवाइड कराते हैं और फास्ट आपको अप्रूवल देते हैं और साथ साथ आपको ये भी बता दें यहाँ पर फ्लेक्सिबल लोन रिपेमेंट करने की सुविधा आपको देखने को मिल सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि किसी तरह का कोई क्रेडिट हिस्ट्री के रिक्वायरमेंट नहीं होंगे, ये पूरे भारत में हम लोन प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसके बारे में भी पहले देख लीजिए। यदि आप भारत के नागरिक हैं और आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड तो होनी चाहिए और आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होनी चाहिए, तभी जाके आप घर बैठे इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। अब रह गई बात इस एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से लोन अप्लाई करना है, तो मैं आपको सिंपल बात आपको बता दूं, जब आप इस एप्लीकेशन को अपने अंदर फोन में इंस्टॉल करेंगे तो आपको बस नॉर्मल से रजिस्ट्रेशन करना होगा मोबाइल नंबर के साथ और आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स और आप करते क्या है वो चीजें 3 स्टेप में कंप्लीट करने के बाद आपको अप्रूवल के लिए वेट करना होता है। आप ही अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे वो सारे प्रोसेस अभी खुद देखेंगे और मुझे यहाँ पर कितने के अप्रूवल मिली है इसका भी प्रूफ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा और कितने दिनों का लोन मिला है, जानने के लिए शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और ऐसे में आपको यहाँ पर नीचे में देखने को मिलेगा इनके रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग पार्टनर जो है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है। इनके यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इन्होंने लिंक दे रखा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इस तरह से ब्राउजर के साथ ओपन कर लेंगे। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि हमारे जो RBI द्वारा ऑथराइज है, जो कि हमारे यहाँ पर लेंडिंग पार्टनर कुछ इस तरह से दिखाए जा रहे हैं, 6 लेंडिंग पार्टनर हैं जिसमें कि यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। पहला यहाँ पर दोस्तों निकल के आता है आनंद प्रॉपर्टी फाइनेंस लिमिटेड, दूसरा निकल के आते हैं त्रिमूर्ति फिन कैप प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है कैपिटल ट्रेड लिंक लिमिटेड, चौथा है IVL फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, पांचवा है JB कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और छठा है पिनकल्स कैपिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि 6 NBFC के जरिए से आपको किसी एक NBFC के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो ये हैं इनके लेंडिंग पार्टनर जो कि एक RBI ऑथराइज हैं। तो ये ऐप के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलता है। यहाँ इन्होंने बताया है कि सिर्फ आधार पैन के बेस पे हम आपको कैश लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर जिस एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों, ये है रैपिड पैसा जो कि आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन को अपने फोन में हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। वीडियो हमारे साथ दोस्तों बने रहे, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।
यदि आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। लो जी फाइनली हमारे एप्लीकेशन फोन में इंस्टॉल हो चुका है, चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज करेंगे। दो ही लैंग्वेज दिया गया, हिंदी या फिर इंग्लिश, अपने हिसाब से चूज करेंगे और नीचे से नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि ऐप किस तरह से काम करती है, इन्होंने कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, इसे आप अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। आगे बढ़ने के लिए यस आई अंडरस्टैंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ऐप के अंदर में क्या क्या चीजें परमिशन आपसे मांगी जाती है। पहला आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, एक्सटर्नल स्टोरेज, कैमरा, कैलेंडर के लिए आपको परमिशन देना होगा। साथ ही साथ कॉल लॉक की परमिशन देनी होगी, जिसमें कि कॉल बेस, ओटीपी, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए ये चीजें आपसे मांगी जाएगी। लेकिन इन सब चीजों को परमिशन देने से पहले हमें प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स कंडीशन एक बार अच्छे से रीड कर लेना चाहिए। जांच पड़ताल करने के बाद अगर आपको सहमति मिलती है तो आप इस बॉक्स को कंसेंट देंगे, चेकआउट करेंगे और नीचे से यस आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से आपको ऐप को परमिशन दे देना होगा, जिस तरह से मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर बात निकल के आती है, अगर आपने इस ऐप के अंदर में पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पर नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करके मोबाइल नंबर के साथ वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों अगर ऐसे में अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोन अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके उस नंबर पर वन टाइम वेरिफिकेशन कोड आएगा और आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर मैंने पहले यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रखा है और ऐसे में यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और नीचे से हम कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वही नंबर देंगे जो हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है। दोस्तों दिए गए नंबर वन टाइम पासवर्ड आएगा, आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा जो कि 4 डिजिट का होगा। उसके बाद नीचे सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इस तरह से आपके यहाँ पर अकाउंट दोस्तों यहाँ पर वेरिफिकेशन फाइनली कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हमें कितने की अप्रूवल मिली है वो चीज भी आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का लोन हम ले सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो भी हमें समय मिल रहा है आपको देखने को मिलेगा, मिनिमम 21 दिन और मैक्सिमम 30 दिनों का समय मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर 3000 रुपए के लिए लोन अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक खाते में 3000 रुपए ही क्रेडिट होंगे। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह होगी कि ऐसे में देख सकते हैं काफी ज्यादा चार्जेस दोस्तों यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, 4498 रुपए लोन को रिपेमेंट करना होगा। भले आपके 3000 रुपए 3000 बैंक के खाते में ही ट्रांसफर होंगे लेकिन आपको अलग से इतने पेमेंट देने होंगे, वो भी 30 दिन के अंदर में। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर जो भी लोन मिलता है एक रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है, आपके सिविल में भी ये इम्पैक्ट करेगा अगर आप ऑन टाइम पेमेंट नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपके सिविल में इंक्वायरी जरूर हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, सोच समझ के यहाँ पर दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करिएगा। काफी लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई जब भी आप किसी एप्लीकेशन के बारे में आप बताते हो तो लोन अप्लाई करके जरूर दिखाया करो। जानकारी के लिए आपको बता दें इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने सारे वो प्रोसेस पहले कंप्लीट कर लिया, जांच पड़ताल कर लिया कि एप्लीकेशन ये किस तरह से काम करती है। उसके बाद अप्रूवल मिलते ही मैंने यहाँ पर दोस्तों वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। आगे आपके ऊपर निर्भर करता है लोन लेना या फिर नहीं लेना। जैसे आप यहाँ पर दोस्तों आगे प्रोसेस बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपको बताना होता है आपकी जेंडर, मेल आईडी वगैरह क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, कितने तक आप पढ़े हैं वो आपको बतानी होती है, गारंटर नेम यानी कि रेफरेंस नंबर आपको प्रोवाइड कराना होता है। उसके बाद नीचे से आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बताना होगा जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा वही आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यदि आपका परमानेंट एड्रेस से कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग है तो आप अलग तरीके से भरेंगे, नहीं तो इसे आप चेकआउट करेंगे। तो इस तरह से आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस होगा सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस भी आपके सेम हो जाएंगे। नीचे से आप जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि आप करते क्या हैं, यानी कि आपको यहाँ पर बताना होगा अपने हिसाब से कि अगर आप यहाँ पर वेतनभोगी हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने हिसाब से यहाँ पर दोस्तों चूज करेंगे आपका पैन नंबर, आधार नंबर, और अगर आप किसी भी बैंक से अगर ऑलरेडी लोन ले रखा है, चल रहा है लोन, एक्टिव है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल, इसे छोड़ भी सकते हैं। आपको यहाँ पर मेल आईडी देनी होगी और उसके बाद नीचे से दोस्तों कंसेंट देना होगा, उसके बाद नीचे से नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ क्री 5 मार्क के अंदर में क्रिएट चेक की जाएगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पर लोन की अप्रूवल या फिर फाइनल आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे।
तो आपने यहाँ पर देखा कि एप्लीकेशन ये दोस्तों किस तरह से काम करती है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बैंक अकाउंट डिटेल्स और सारी चीज़ें यहाँ पर सब कुछ प्रोसेस मैंने कर लिया था। आधार पैन के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दोस्तों नहीं मांगी जाती है। तो यहाँ पर हाई क्रिफ के अंदर में आपकी क्रेडिट स्कोर चेक करी जाती है, उसी के बाद ही आपको यहाँ पर बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने का मौका मिलता है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल भी ऐड कर रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट और बैक कॉपी अपलोड करना होगा, साथ साथ पैन कार्ड की फ्रंट कॉपी अपलोड करेंगे, सेल्फी लेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर दोस्तों काम कंप्लीट हो जाता है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक टाइम के लिए मैंने लोन लेकर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ और मैं बार बार यहाँ पर लोन अप्लाई करके बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। ये बताने के लिए सिर्फ दोस्तों ये मैंने सारे प्रोसेस कंप्लीट किया है। यहाँ पर मिनिमम अभी देख पाएंगे कि किस दिनों का समय मिल रहा है। अगर 21 दिन के लिए लोन लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं 1000 रुपये के अप्लाई करूँ तो 1490 रुपये पेमेंट करना होगा। वही चीज़ अगर हम यहाँ पर 30 दिनों के लोन की बात किया जाए तो यहाँ पर देख पाएंगे कि 1499 रुपये हमें पेमेंट करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से एप्लीकेशन ये दोस्तों ये काम करती है IVL फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।